नमस्कार, मेरा नाम गौरव कुमार है और आज नेशनल साइंस डे के दिन हम साइंस के उस एस्पेक्ट की चर्चा करेंगे जो जनरली नजरअंदाज कर दिया जाता है। बट पहले अगर ये सोचे कि साइंस क्या है, तो ज्यादातर डिस्कशंस में यही निकल के आता है दैट साइंस इज द अल्टीमेट ट्रूथ। बट साइंस की जो सबसे अनोखी बात है वो यही है दैट इट कीप्स ऑन इवॉल्विंग, यानी वो हमेशा लगातार चेंज होती रहती है। आज जो हमारी साइंस की किताबों में लिखा हुआ है, हो सकता है कि वो कल को सही ना रहे। इनफैक्ट दैट इज द ओनली रीजन आई लाइक साइंस एंड आई एम एक्साइटेड अबाउट इट। इसलिए नहीं कि जो किताब में लिखा है वो सब सही है, बल्कि इसलिए कि वो हमेशा इवॉल्व या बेहतर होती रहती है। और अब वो बात जो कहीं ना कहीं हमारे डिस्कशंस में गुम हो जाती है, वो यह है साइंस का इमेजिनेशन वाला पार्ट। हमें लगता है कि पोएट्री राइटिंग या फिर पेंटिंग, इन सारी चीज़ों में इमेजिनेशन लगता है, बट साइंस ऑल्सो रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इमेजिनेशन टू टेक इट फॉरवर्ड। हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस में इस बात पर जोर नहीं दिया जाता है दैट साइंस ऑल्सो रिक्वायर्स इमेजिनेशन, और अगर चर्चा होती भी है तो काफ़ी ऊपर ऊपर से होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम ग्रेविटी की चर्चा करते हैं तो ये करते हैं कि भाई न्यूटन सेब के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, ऊपर से सेब गिरा और उसने ग्रेविटी की खोज कर दी। इसके आगे जो चर्चा करते हैं वो ये कर लेते हैं कि भाई सेब ऊपर से नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया। तो ये इसको सुन के लगता है कि ये तो कोई भी सोच सकता था, इसमें इमेजिनेशन कहाँ है। सो व्हाट डिड न्यूटन ऐड टू दिस फ्रॉम हिज इमेजिनेशन, इसमें इमेजिनेशन वाला पार्ट कहाँ था। वो ये था, सेब को जो फोर्स धरती की तरफ खींच रहा है वो वही फोर्स है जो धरती को सूरज के चारों तरफ घुमा रहा है, या फिर चांद को धरती के चारों तरफ घुमा रहा है। दैट वॉज द इमेजिनेशन पार्ट, कनेक्टिंग टू और थ्री थिंग्स विच आर सीमिंगली नॉट रिलेटेड बट आर ऑफ कोर्स रिलेटेड। अनदर एग्जाम्पल इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ में हम ये बोलते हैं कि कोई चीज़ अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, और चल रही है तो चली रहेगी, अनलेस एक्टेड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। ओके, सो वेयर इज द इमेजिनेशन इन ऑल ऑफ दिस। सो इमेजिनेशन ये है दैट देर इज नॉट अ सिंगल प्लेस इन दिस इंटायर यूनिवर्स वेयर देर इज नो फोर्स। कहीं पे भी आप चले जाओ, कहीं कोई ऐसा पॉइंट मिलेगा ही नहीं जहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स ना हो। और धरती पे भी हम अपने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से क्या देखते हैं, हम तो ये देखते हैं कि भाई किसी चीज़ को धक्का मारते हो तो चलती है, और धक्का मारना बंद कर देते हैं तो वो चीज़ नहीं चलती। काम में भी ऐसा ही होता है, धक्का मार के काम करा लिया तो करा लिया, धक्का मारना बंद तो काम होने बंद हो जाते हैं। न्यूटन ने एकदम इसका उलट बोला। उसने क्या बोला, कोई चीज़ चल रही है तो चलती ही जाएगी, ये सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी, उसने कभी ऐसा देखा नहीं था, ये तो उसके दिमाग के घोड़े थे जो कि दौड़ गए और हमें न्यूटन के लॉज पढ़ने के लिए छोड़ गए। सो साइंस विच इज सपोज टू बी द ट्रूथ, बट दिस स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ विल नेवर बी ट्रू। हम ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं कि फोर्स को कम से कम करते जाएं। मान लीजिए एक मैं कंचे को एक फ्लोर पे दौड़ाऊं, तो फ्रिक्शन को जितना कम करते जाएंगे वो उतना दूर तक जाते जाएगा, जितना प्लेन सर्फेस करते जाएंगे वो उतना दूर तक जाएगा, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि वो चलता ही जाए, फ्रिक्शन कभी जीरो नहीं होगा। एंड वी जनरली ग्लॉस ओवर दिस इमेजिनेशन पार्ट ऑफ द लॉज। हम क्या करते हैं कि भाई ये लॉ है, ये स्टेटमेंट है, ये इसका फॉर्मूला है, चार पांच सवाल, चैप्टर खत्म, आगे बढ़ो, सिलेबस खत्म, चार पांच बार रिविजन, एग्जाम हो गया, जयराम जी के। सो ये बातें तो हो जाती हैं कि भाई दीज आर द सेट ऑफ लॉज अकॉर्डिंग टू विच द नेचर वर्क्स, बट जो चीज कहीं ना कहीं छूट जाती है कम्युनिकेशन में वो ये दैट साइंस इज एज एक्साइटिंग एज अ सॉन्ग और अ पोएम और अ ब्यूटिफुल स्टोरी, बिकॉज जस्ट लाइक इन राइटिंग अ स्टोरी और अ पोएम देर इज इमेजिनेशन दैट इज रिक्वायर्ड इन साइंस।